बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनास हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का हैवी फंक्शन, कि आप हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर हैवी फंक्शन यूज़ करते हुए आप क्या क्या वॉश कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हैं मेरे पास गुलटेक्स बेडशीट्स, ये किंग साइज बेडशीट्स हैं, ये मेरे पास दो हैं। मेरी वॉशिंग मशीन का ड्रम माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, इसके अंदर मैं इस तरह की गुलटेक्स की हैवी बेडशीट्स तीन भी वॉश कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये दो हैं। दो बेडशीट्स मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ, आप अभी देख सकें, अंदाज़ा लगा सकें कि इस बेडशीट कितनी बेडशीट जो है इसके ड्रम में आप वॉश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और मैं इसमें से जो है एक बेडशीट यूज़ कर रही हूँ और दूसरी मैं रख रही हूँ साइड में। तो व्यूअर्स, मैंने आज एक बेडशीट वॉश करनी है, तो मैं आपको आज एक बेडशीट के बारे में बताऊंगी। तो व्यूअर्स, आप तो जैसे जानते हैं कि गुलटेक्स बेडशीट अगर आपने कभी देखी हो तो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल होती है और सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है, और सर्दियों के लिए, और बहुत ज़्यादा मोटी भी होती है, थिक होती है, और ये हैवी वुलिंग के अंदर ही आती है। अगर इसके अलावा आपके पास पॉलिएस्टर बेडशीट्स हैं जो कि सिल्क के मटेरियल की होती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। पॉलिएस्टर बेडशीट्स वो भी इसके अंदर इजीली इसी सेम मेथड के थ्रू ही वॉश होगी जो कि मैं आपको गुलटेक्स की बेडशीट के लिए बता रही हूँ। अगर आपने इसके अंदर अपनी पॉलिएस्टर बेडशीट वॉश करनी है तो आप पॉलिएस्टर बेडशीट भी इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन का स्विच ऑन करेंगे, और ये बेडशीट किंग साइज बेडशीट है, ये डबल बेड की बेडशीट है और ये बहुत बड़ी है। आपके अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये डबल साइज़ की और क्या साइज़ है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी है, बहुत आसानी से इसके अंदर वॉश हो जाएगी, इसकी मोटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसका सबसे पहले करेंगे पावर बटन ऑन। पावर बटन ऑन करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग में जाएंगे और हम इसका हैवी फंक्शन जो है वो सेट करेंगे। हैवी फंक्शन सेट कर आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर लेवल 6 आ रहा है। ओके, हमारी वन बेडशीट है तो इट्स ओके, हमें इसका वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर हमारे पास दो बेडशीट हम इसके अंदर वॉश कर रहे होते तो हम इसका वाटर लेवल 8 सेट कर सकते थे, और अगर जो है क्या कहते हैं हमारे पास तीन बेडशीट आ जाती हैं तो हम इसका वाटर लेवल और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको 10 तक ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि एक ही बेडशीट है तो इस वजह से हम इसका वाटर लेवल 6 जो इस मशीन ने ऑटोमेटिकली हमें सेट करके दिखाया था वो बिल्कुल ठीक है कि हम इसका वाटर लेवल 6 रखेंगे। और सब मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ बताइए वाटर लेवल 3 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है। तो ये पानी लीटर्स में होता है, यानी कि 1 का मतलब 10 लीटर, 2 का मतलब 20 लीटर, 3 का मतलब 30 लीटर, और 6 का मतलब है 60 लीटर। इट्स मीन यानी कि तकरीबन दो बड़ी बाल्टियों के करीब इसके अंदर पानी आ जाएगा, और दो बड़ी बाल्टियों के करीब इसके अंदर पानी होगा और उसमें ये बहुत अच्छे से वॉश होगी, इट्स ओके, क्योंकि बेडशीट के लिए ज़्यादा पानी ही चाहिए होता है, खुला पानी चाहिए होता है बेडशीट वॉश करने के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका वॉश टाइम 18 है, ओके, इट्स ओके। इसका सबसे ज़्यादा वॉश टाइम जो है 20 होता है। अगर ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर हैवी फंक्शन के अंदर 18 ले रही है, इट्स टू मच, बेडशीट उसके अंदर बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगी। उसके बाद आप रिंस टाइम दे सकते हैं, 2 है, बिल्कुल ठीक है, पानी अपने अंदर मशीन 2 दफ़ा लेगी और 2 दफ़ा रिंस करके इसको वॉश करेगी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्पिन टाइम इसने 7 लिया है, बिल्कुल ये हैवी बेडशीट है, और ऑटोमेटिकली मैं जो है तकरीबन 5 मिनट लेती हूँ, नॉर्मली मैं 5 मिनट लेती हूँ स्पिन टाइम, लेकिन इसमें 7 दिखा रही है, वो बिल्कुल ठीक है। आई एम ओके विद द मशीन ऑटोमेटिकली, जिसने इसने टाइम सेट किया है मैं उसके साथ बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और मैं अब स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इसके अंदर सर्फ वगैरह डाल दूँ। तो भी बस ये मैंने इसके अकॉर्डिंगली जो है हाफ पट्टी मैंने सोप ले लिया है, जो कि मैंने एक सॉक्स के अंदर रख लिया ताकि वो मशीन को भी ख़राब ना करे, और ना इसकी एक नॉट भी बांध दी है ताकि इससे बाहर ना निकले और मशीन के अंदर भी ना जाए, ना मशीन इससे ख़राब होगी, ना ही हमारे जो क्लोथ आप वॉश करें ना उसके साथ चिपकेंगे सोप। मुझे जो है सेटिस्फेक्शन इसी से होती है कि सोप से बहुत अच्छा जो है
वॉश होता है हमारे कपड़े। उसके बाद जो आप डिटर्जेंट यूज़ करना चाहते हैं, आप वो डिटर्जेंट जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप लें। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल कीजिएगा। और चूँकि ये बेडशीट है ये हैवी है और जो है क्या कहते हैं इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो इसलिए हमने इसके लिए सोप और डिटर्जेंट यूज़ किया था। साथ ही हम इसके लिए हम सॉफ्टनर भी यूज़ करेंगे, ताकि जो व्यूअर्स ये कहते हैं कि जी सोप की बहुत गंदी स्मेल होती है तो आप जो है ये सॉफ्टनर यूज़ करें। तो अगर आप सॉफ्टनर यूज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके कपड़ों में कभी भी जो है सोप की स्मेल आएगी। तो ये हमने पॉकेट की क्लोज और हमने कैप भी किया क्लोज और हमने की मशीन का बटन स्टार्ट। ये मशीन हमने स्टार्ट कर दी है, 54 मिनट्स रिमेनिंग आ रहे हैं और वाटर लेवल भी मैं आपको एक तरह से दिखाती रही हूँ साथ के साथ कि किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी होगा। और अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये मशीन वाटर लेवल 6 तक कितना पानी लेगी वो भी आपको मैं इसमें दिखाऊँगी, वो तकरीबन कितना पानी बनता है और कितना ड्रम वो मशीन लेती है मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, वाटर लेवल 6 तक आप देख सकते हैं कि कितना जो है मशीन ने अपने अंदर वाटर लिया है। 2 से 2.5 बाल्टी के तकरीबन अकॉर्डिंगली बनाया है, 6 का मतलब यानी कि 60 लीटर। तो आप चेक कर सकते हैं कि 60 लीटर कितना पानी है यहाँ तक। वाटर लेवल 9 या 8 सेलेक्ट करेंगे तो ये इतना पानी यहाँ तक आ जाएगा, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं मेजरमेंट के लिए यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर लेवल 6 आपके यहाँ तक आ रहा है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 वाटर लेवल तक कहाँ से आता है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मशीन को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये मशीन अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब हम इस मशीन को वॉश करने के लिए छोड़ देंगे और इसका सारा प्रोसीजर आपको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से मशीन वॉश करेगी और किस तरीके से ड्राई करेगी, स्पिन करेगी। तो अब हम इसके स्पिन होने के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी डाउट था आपको वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है आप उनको मेरी वीडियो रिकमेंडेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, आपका ये प्यार और मोटिवेशन ही है जो इसकी वजह से मैं और मोटिवेट होती हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।